हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको कुड हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल बताया था, यानी कि कुड का पास्ट, यानी कि सकता था, सकते थे, सकती थी। ओके फ्रेंड्स, तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ मे का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, ये सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेट, अगर आपने बनाया है तो मैच कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा, अगर आपने बनाया है और कहीं गलतियां नज़र आए तो आप उनको सुधारते जाना और समझते जाना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यूज ऑफ मे क्या है, व्हाट इज मे का मतलब एक महीना भी होता है, बट यहाँ पर मे का मतलब कुछ और होता है जो हम बचपन से ही यूज़ करते आते हैं बट समझते काफ़ी बाद में हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम क्लास में अंदर घुसते वक्त बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, इस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं, बट हम उस वक्त समझ नहीं पाते कि ये है कि एक्चुअली में चीज़, हम बड़ा होकर समझ आते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट उसका इस्तेमाल हम कई तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, सिर्फ परमिशन के लिए नहीं करते हैं। तो क्या कैसे कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, यही सीखेंगे। सबसे पहले मे का इस्तेमाल रिक्वेस्ट में। ओके फ्रेंड्स, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब जब कभी भी हम अपने लिए किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपने लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो मे आई, यानी कि मे के बाद आई ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या मैं अंदर आऊं। ओके फ्रेंड्स, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका हम बनाएंगे कैसे, क्या मैं है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, मे, फिर मैं का आई, कम इन, मे आई, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसमें नहीं आता है, पहला फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, मे आई कम इन। अभी दूसरा इस्तेमाल है मे, यानी संभावना में, संभावना, जब भी हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात संभावना में कर रहे होते हैं तो उसको हम मे से ही बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि वह शायद वो कल आएगा, हम शायद नहीं भी लगाएंगे फिर भी हम संभावना के साथ बोल रहे हैं, तो वो मे से बनेगा। जैसे शायद वो कल आएगा, या वो कल आएगा, या नहीं भी आ सकता है, वो कल आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, इस तरीके का सेंटेंस हम जब संभावना में बोलते हैं तो उसमें हम मे लगाकर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मैं वह बंगला खरीद सकता हूँ, इसमें है मैं वह बंगला खरीद सकता हूँ या नहीं भी खरीद सकता। ओके, दोनों संभावना है, तो आई के बाद मे लगेगा इसमें, यानी कि सब्जेक्ट के बाद मे, यहाँ पर आई की जगह कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ आई नहीं होगा, वह बंगला खरीद सकता है, वह वे लोग बंगला खरीद सकते हैं, हम लोग वह बंगला खरीद सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यह बंगला खरीद सकता हूँ, आई मे बाई वह बंगला, तो दैट बंगला, बंगलो। ओके फ्रेंड्स, मैं वह बंगला खरीद सकता हूँ या नहीं भी खरीद सकता। ध्यान रहे कि मे का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हम कोई भी बात संभावना में कह रहे होते हैं, बिना संभावना की बात बोलेंगे तो वहाँ पर मे नहीं लगेगा, फिर कैन लगता है। ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा है मे, संभावना में ही होता है बट पास्ट की बात कहते हैं तब। ओके फ्रेंड्स, हम मे का इस्तेमाल जब संभावना में होने की बात, पास्ट में किसी बात को पूरा हो जाने की बात संभावना में बोलते हैं तो उसमें भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं, बट वहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगा थोड़ा, कि मे के साथ हम हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह मुंबई पहुँच गया होगा या नहीं भी पहुँचा होगा, पास्ट की बात बोली जा रही है बट पूरी हो जाने की बात बोली जा रही है, ये संभावना में बोली जा रही है कि वह मुंबई पहुँच गया होगा या नहीं भी पहुँचा होगा, तो ही सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मे, फिर उसके बाद हैव ज़रूर लगाएंगे इसमें। फ्रेंड्स, ये जो पास्ट की बात संभावना में कही जाए उसमें हम मे के बाद हैव ज़रूर लगाएंगे। ही मे हैव रिच्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। ही मे हैव रिच्ड कहाँ, मुंबई। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, पहला रिक्वेस्ट में जब हम अपने लिए किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो मे का इस्तेमाल,
दूसरा मैं संभावना में, जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात संभावना में कह रहे होते हैं कि वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद मैं का इस्तेमाल और वी वन यानी कि क्रिया का पहला फॉर्म। तीसरा मैं का इस्तेमाल हम संभावना में करते हैं जब पास्ट की बात, किसी भी बीत गई बात को हम संभावना में पूरा हो जाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम मैं का प्लस है प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब संभावना में हम पास्ट की बात कह रहे होते हैं तो वहाँ पर मे के बाद है प्लस वी थ्री यानी कि क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, पहले हम रिक्वेस्ट वाली बात करते हैं, क्या मैं यहाँ बैठूँ या क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर, क्या मैं आपका जगह ले सकता हूँ, मे आई टेक योर सीट, या मे आई हैव योर सीट भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं कल आपके घर आऊँ, मे आई कम टू योर हाउस टुमारो, क्या मैं आपकी बैग लूँ या ले लूँ, मे आई कैरी योर बैग, मतलब लेकर जाने की बात कही जा रही है, तो मे आई कैरी योर बैग, क्या मैं उसके साथ जाऊं या क्या मैं उसके साथ जा सकता हूं, मे आई गो विथ हिम, क्या मैं आपके साथ चलूं, मे आई वॉक विथ यू। ओके फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट वाली बात है, इस तरीके से हम रिक्वेस्ट वाली बात में मे का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम संभावना वाली बात करेंगे जिसमें फ्यूचर की या प्रेजेंट की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वो कल मुंबई जा सकता है या नहीं भी जा सकता है, ही मे गो टू मुंबई टुमारो, तुम्हारे पिताजी कल विदेश से आ सकते हैं, योर फादर मे कम फ्रॉम अब्रॉड, वह मेरी मदद कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, ही मे हेल्प मी, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, शायद कर भी सकता है, तो ही मे नॉट हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, हम जब मे का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, वह बुक खरीद सकता है, ही मे बाय द बुक, वह तुम्हें बुक दे सकता है, ही मे गिव यू बुक, वह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता है, शायद दे भी सकता है, तो ही मे नॉट गिव यू मनी। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से मे का फ्यूचर में होता है। अभी मे का जो हम पास्ट वाली बात संभावना में करते हैं उसमें मे का इस्तेमाल। ओके, शायद उसने बाइक खरीद ली होगी या नहीं भी खरीदी होगी, ही मे हैव बाउट द बाइक, शायद उसके पिताजी वापस आ गए होंगे या नहीं भी आए होंगे, हिज फादर मे हैव रिटर्न्ड या कम बैक, शायद उसने कुत्ते को जान से मार दिया होगा, ही मे हैव किल्ड द डॉग, शायद उन लोगों ने नदी पार कर ली होगी, दे मे हैव क्रॉस्ड द रिवर, वे लोग अभी मुंबई नहीं पहुँचे होंगे या शायद पहुँच भी गए होंगे, दे मे हैव रिच्ड मुंबई या दे मे नॉट हैव रिच्ड मुंबई, शायद वह सो गया होगा, ही मे हैव स्लेप्ट, शायद उसने दूध पी ली होगी, ही मे हैव ड्रंक मिल्क, उसने शायद उसने ऐसा किया होगा, ही मे हैव डन दिस, शायद मैंने आपको कहीं देखा है, आई मे हैव सीन यू, शायद उसने मुझे देख लिया है, ही मे हैव सीन मी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप भी क्रिएट कीजिए सेंटेंस और प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो अभी ये रहा सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए और अच्छी तरह से नेक्स्ट क्लास में दिए गए आंसर से उसको मैच भी कर लिया कीजिए।
ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सचमुच में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।